जय मस्की मेरे प्रिय भाई बहन, मैं आपका रॉयल प्रीस्ट है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले एक मेरे दोस्त के बारे में जो दो तीन दिन पहले गुजर गए थे, तो उसके बारे में हम बात करने वाले। तो क्या है कि उसका नाम डेविड है, ही वॉज अ मीम क्रिएटर जिसे आप जानते हो, और एक फॉरेन में और एक इंग्लिश क्रिश्चियन मीम बनाते। तो पहली बार तमिलनाडु में जो पहली बार क्रिश्चियन मीम कल्चर लेके आने वाला वो एक वही बंदा था। मतलब बोलते ना, बहुत लोग पता, हमको पता ही है, लाइक फॉरेन में लाइक इंग्लिश में मीम बनाते, लाइक क्रिश्चियन मीम बनाते, लेकिन हमारे लाइक साउथ इंडिया तमिल में अभी तक किसी ने भी तब तक नहीं बनाया था। बट लेकिन ही वॉज द फर्स्ट गाय टू स्टार्ट तमिल मीम पेज। मतलब वो पहला बंदा था कि तमिल में क्रिश्चियन मीम बनाना। जब उसने स्टार्ट किया उसके आगे इसने बहुत सारे नया था, क्योंकि इसके लिए बहुत हिम्मत लगता है। लाइक बोलते ना, एक हम एक जगह पे है, लेकिन जगह पे किसी और ने जो चीज़ें भी किया ही नहीं, लेकिन हम जब करने शुरुआत करते हैं ना, लाइक बहुत टफ रहता है, क्योंकि बहुत लोग हमारे आगे से बात करेंगे, लेकिन उस सारे चीज़ के बीच में भी डट कर खड़े रहना बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे ही बंदा भी स्टार्टिंग में उसके अगेंस्ट में बहुत सारे बात किया, बट लेकिन ही डिडंट गिव अप, उसने छोड़ा नहीं। लेकिन उसके बाद फिर भी वो मीम डालते रहते, फिर उसके बाद लोगों को थोड़ा एक समझ लगा, ठीक है कुछ तो मतलब कर रहा है। तो उसके थ्रू जो थ्रू द मीम्स थ्रू क्रिश्चियन मीम्स बहुत सारे लोग ब्लेस भी है, बहुत लोग यूजफुल भी हुआ है। और वही नहीं, ऊपर से लाइक बोलते ना, उससे इंस्पायर होकर अभी बहुत सारे तमिल क्रिश्चियन मीम पे, जैसे पहला एक ही बंदा था तमिल क्रिश्चियन मीम बनाता था, उसके बाद उसको देख के इंस्पायर होकर अभी बहुत सारे क्रिश्चियन मीम्स तमिल क्रिश्चियन मीम बना शुरू भी हो गया। और तमिल क्रिश्चियन मीम को देख के कुछ लोग हिंदी में भी बना शुरू किए। बोलते ना, अभी बोलते ना, इंडिया में बोलते ना, मोस्ट ऑफ जो भी क्रिश्चियन मीम पे सब देख सकते हो ना, सारे के सारे उस बंदे से ही चालू हुआ 2 साल पहले। उसने पहली बार चालू किया, फिर उसको देखकर बहुत सारे जन चालू करके इसे बहुत सारे फेल किया। तो बोलते ना, ही वॉज द फर्स्ट टू स्टार्ट, इसने सब कुछ चालू किया था। बोलते ना, ये बहुत सारे जन को ब्लेसिंग था। बट लेकिन 3 डेज पहले पास, जब इसका एज कुछ ज़्यादा भी नहीं था, एज कुछ 23 के आसपास ही था, ज़्यादा भी नहीं था। बोलते ना, सुन के बहुत बहुत बुरा लगा जब उसने हमारे जो क्रिश्चियन कम्युनिटी, मतलब इंस्टाग्राम में जो अब से आप जानते हो, मेरा एक इंस्टाग्राम में पेज है, एक तो बहुत 1.5 के फॉलोअर्स प्लस है। तो हमारे कुछ बोलते ना, बहुत सारे क्रिश्चियन पेजेस थे, वो सारे एडमिन का हम लोग दोस्त ही रहते, सारे पेज का एडमिन। तो हमारा जो कम्युनिटी मतलब बहुत सैड था 2 दिन के, ऑलमोस्ट आई थिंक 2 डेज, हाँ, जब वो हमें न्यूज़ आया ना, हमने ऑलमोस्ट कुछ 2 डेज के लिए हमने कुछ पोस्ट ही नहीं किया था, मतलब किसी को मन नहीं कर रहा था। मतलब जो हमारा, मतलब बोलते ना, वो हमारे में एक बंदा था। फॉर एग्जाम्पल, आप ही सोच लो, अगर आपके जो दोस्त जिससे आप बोलते ना एक आप रेगुलरली बात करते, आपके साथ रहते, बट लेकिन आलू अचानक से नहीं है, तब क्या कैसे रहता। वैसे जो बंदा एक्चुअली इन रियलिटी, उस बंदे को हमने सामने कभी भी नहीं देखा, ठीक है, बंदे को सामने हमने कभी भी एक भी बार नहीं देखा है। इवन उसका फेस भी हम नहीं जानते, लेकिन जस्ट बिफोर क्रिसमस में, क्रिसमस के दिन उसने अपने नया टी शर्ट ब्रांड खोला NCM नाम पे। तो उस टी शर्ट के इनॉग्रेशन में कुछ पास्टर्स को उसने इनवाइट करके मीटिंग रखा था। उसी टाइम में जब फर्स्ट हम लोग ने उस डेविड ब्रदर का हम लोग ने जो फेस देखा, तो उसके बाद उसके अगले कुछ 10-15 दिन में ऐसा हो गया। तो बोलते ना, तो बहुत सैड थे का हमने जो क्रिश्चियन कम्युनिटी जो एडमिन से सारे क्रिश्चियन पेजेस हमने मोस्ट ऑफ हमने 2 दिन के लिए कुछ भी पोस्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा मतलब चलेगा, क्योंकि बहुत सैड थे हम लोग सब। तो हमने कुछ भी पोस्ट ही नहीं किया, इवन इंक्लूडिंग में मैंने भी 2 दिन कुछ पोस्ट ही नहीं किया। तो अभी हम लोग अभी रेगुलरली पोस्ट करना चालू किए है। तो लाइक मेरा पॉइंट ये था कि तभी जो गया, बोलते ना, अभी वो इतने कम एज में गया, बहुत बुरी बात है। बट लेकिन ठीक है, जाने के पहले कुछ तो किया, मतलब इसने बहुत सारे जनों को ब्लेसिंग भी किया, और ब्लेसिंग था। ऊपर से बहुत सारे जनों के लिए इंस्पिरेशन मिला, बहुत सारे जो लोग इसको इसके पेज को देखकर मतलब मुझे बोला, बहुत सारे पेज इसको इनको देखकर ही बना। अभी जब जाके देखेंगे ना, तमिल क्रिश्चियन मीम जितने भी पेजेस हैं ना,
सब लोग इसको इसको भी देखकर ये लोग बने, मतलब बोलते ना जाने से पहले कुछ तो गॉड के लिए कुछ तो अच्छा किया, बोलते ना जिसको हम हमेशा याद रखें। अभी भी जब वो गया था ना, अभी मेरा तो मीम पेज नहीं है, मेरा तो नॉर्मल पेज है, लेकिन जो बोलते ना स्पेशली जो मीम पे मीमर्स थे, तो स्पेशली जो क्रिश्चियन मीम क्रिएटर्स थे ना, उन लोग बहुत ही दुख थे, क्योंकि उनको उनका इंस्पिरेशन जिनको देख के खुद ने पेज चालू किया पे भी वो बंदा है नहीं है, तो बोलते ना मीम क्रिएटर्स बहुत ही सैड थे। तो लाइक तो बहुत लोगों ने मीम कुछ बोलते ना मीम अपलोड ही नहीं किया कुछ दो दिन के लिए, इवन मे भी अपना पोस्ट नहीं डाला, बहुत सैड थे। तो मेरा पॉइंट यही कि लाइक जाने से पहले कुछ तो अच्छा करो, अभी इतना इस काम में इसमें गया अच्छा नहीं है, बट लेकिन ठीक है जाने से पहले कुछ तो अच्छा किया, बहुत लोगों को इंस्पायर किया, बहुत लोगों को ब्लेस किया, तो या तो कुछ तो अच्छा किया है। बोलते ना गॉड गॉड हमें सिखाएगा आपको कैसा क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, लेकिन वो हमारे लिए नहीं करेगा, करना हमें ही है, और गॉड हमें गाइड करेगा, फोर्स नहीं करेगा। तो भी क्लोज नहीं करो गॉड से, तो बोलते ना गॉड के साथ हमेशा क्लोज रहो, और यही था गॉड के लिए कुछ करो, मतलब छोटा बड़ा ऐसा नहीं कि एक कुछ बोलते ना एक प्लीज किया तो कुछ बड़ा काम है, नहीं इवन कुछ भी बोलते ना एक बोलते ना चर्च पे एक चेयर निकल के डालना, साफ करना, ये भी एक काम ही है। तो लाइक बोलते ना एक बोलते ना पता नहीं कब क्या होगा, बस बोलना था कि गॉड के लिए कुछ करो जो बहुत लोगों को ए ब्लेसिंग बन जाए। जैसे मेरे दोस्त ने किया था, किसी ने अनएक्सपेक्टेड नहीं था इस एज में जाया करके, अभी वो इतना कम एज में गया, वो ऑफकोर्स बुरी बात है, पर लेकिन ठीक है जाने से पहले बहुत लोगों को अच्छा किया है, गॉड के लिए कुछ बहुत किया है, वो अच्छी बात है। तो वीडियो का ये पॉइंट था कि जाने से पहले कुछ अच्छा करो, तो थैंक यू। तो बस ये मुझे आपसे लाइक शेयर करना था, तो थैंक यू अंटिल नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।